तेलंगाना के जनता जब जरूरत है तब सही तरीका से सही जवाब देने के लिए हमेशा हाजिर रहते। इस बार तेलंगाना में कांग्रेस सरकार बना देके यहां के जो शहीद हुए युवा उनके विचारधारा को आगे ले जाने के लिए हमको संपूर्ण हम इंस्पिरेशन लिए। वो हम जो भी वादा किए जो शहीद होकर उन लोग जो देश के लिए क्या किए वो पूरा आगे हम लेकर जाएंगे। और केटीआर ने आज ट्विटर में वेलकम किया कांग्रेस पार्टी जीत को। मैं भी बीआरएस को धन्यवाद देना चाहता हूं। ये स्पिरिट आगे सरकार चलाने में भी दिखाना है क्योंकि 10 साल अब सरकार में बैठा हुआ है। अभी विपक्ष में बैठने वाले विपक्ष के सुझाव हमेशा हम खातिर करते हैं, पॉलिसी हम बनाएंगे, सजेशंस विपक्ष की जिम्मेदारी है सजेशन देने का। तो इसीलिए असेंबली हम चलाएंगे, विपक्ष का सुझाव लेंगे, अच्छा सरकार बना के गरीब लोगों को मदद करने के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी कोशिश करने वाले। इसमें हम बीआरएस और कल्वकुंट्ल चंद्रशेखर राव, भारतीय जनता पार्टी, मिस्टर किशन रेड्डी, एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी एंड सीपीआई सीपीएम एंड तेलंगाना जनसमिति प्रोफेसर कोदंडराम, सबके मदद लेकर सुझाव लेकर एक अच्छी सरकार बना के देश में एक आदर्श सरकार बनाने के लिए हमेशा हम लोग कोशिश करेंगे।